कटक जगतपुर थाना पूर्व कच्छ नाबालकुकु निर्मम हत्या घटनारे आज जगतपुर पुलिस परदा हटाई। उक्त ग्रामर बाबुला पंडा नाबालक ज्योति प्रकाश बेहरा को अति निर्मम भाव हत्या करथिबा पुलिस पाखरे स्वीकार करिछि। मर्डर करथिबा स्थानरे अभियुक्त बाबुला क्वाणी लाइव डेमो करिछि पुलिस। शारीरिक शोषण लुचाइबाकु जाइ होइथिला हत्याकांड बोली ज्योति प्रकाशर बापा कहिथिबा बळे अन्यपटे तांको पोकु पुलिस मिछरे फसाइ दिछि बोली अभियुक्तक मा बयान दिछंती। से माने देखि जंती सीसीटीवी रे कहजंती तू राति अधरे सीसीटीवी रे आमे देखि जु कान देकि नउतलु एक कथा पुलिस वाला तो मत कहले ना मो स्त्री तो मैड लोक मुझे आरंभ पुलिस वाला को कही देखु मुझे गोटे पुहरे आ द्वितीय को आशा करनी ये मो स्त्री मानने सी किसी भल मंद जानपारे मो पु जा बण जंगल बुले ये बजार वाला मो पु को जगिकिना मुझ कम गले मो पु ये बजार वाला जगिके मो पु को बड़ कर जमा मिशनि मो पु आज्ञा कौन जो पिला सागर ये दोकानी मैंने नहींकना मो पु को कह अरे तू कहीं पिला सहित खेलुनु नहीं कि शिशु मंदिर छाड़ दीजे जा पिला सहित खेले मिस ये कर सी पिला कड़े ये दुई मस है मो पु जाए से खेलियापाई ता माँ को मुझे पचारि अरे पुह सल नहीं कड़े जाइए ना जे स्कूल पाक जाए खेल को ये पिला यहाँ कड़े मुझे जानी से कड़े सैको बोली सी कड़े लक्ष्य करापर सी कल आई जाइए कहला मुझे जाणी नहींचे जे सी एमती कड़े बहुत झील पुह सहित एमती ये कै तापर सी मो पु को कौन बरा पिया खाइबा डाक देना मो पु टे आज सत कथा मु खाइबा प्रिय मो पु भी खाइबा प्रिय मो पु खाइबा पाइले समस्त सब जगह को पलाए तेणुक सी कड़े बरा पिया मो पु को लेकिन से घर भितर बंद कर रखिकी जिते ये जो सेक्स ये कर मो पु कह मो बापा को कहीदेवि मो बापार जमी रागी तेज बाड़े तापर सी से कौन कर मो पु को बाड़े काठ फाड़िया कड़े का सब आई आई सी आगे मानला मोर ग्रामवासी मो सरपंच सहित थे दंड से कथा मुझे कही पारि से मैंने आईन अधिकारी जहाँ कहे कि मो ग्रामवासी जहाँ कहे मुझे अभियुक्त बाबुला पंडा को गिरफ्त करी जगतपुर थाना पुलिस। गत 17 तारीख नाबालक ज्योति प्रकाश को हत्या करिथिला अभियुक्त। धानकटा दारे अति निर्मम भावे बेक को काटी हत्या करिथिला अभियुक्त। सालेपुर मनोज महांती का रिपोर्ट दिनलिपि लाइव। आशा करुछु भिडियोटी आपंक भल लगी अपडेट खबर जानापी दिनलिपि लाइव सहित जोड़ी ही रुंतु आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को क्लिक करूँ। धन्यवाद।